दोस्तों लोकेशन को आप देख लीजिए, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा अभी जो मैं हूँ भारत की राजधानी दिल्ली में हूँ, क्योंकि आप सभी को पता होगा ट्रेनिंग यहाँ पे शुरू हो चुका है। और आप सभी मैकेनिक भाइयों को आज ही पता चलेगा कि ट्रेनिंग किसे कहा जाता है। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर आए, बहुत सारे ऐसे ट्रेनर गए, बट जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना था ना वो किसी ने नहीं दे पाया। अभी ऊपर बोर्ड दिखा दीजिए, मैं कहाँ पर हूँ, दिल्ली में हूँ, जेपी सर के यहाँ। BA6 के बहुत ही बड़े जाने माने एक्सपर्ट हैं, उनसे मैंने कॉलैब करके और अच्छा खासा ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी गाड़ियों को मैं कवर कर रहा हूँ और कितने सारे संतुष्ट मैकेनिक मेरे साथ है। चलिए आइए मेरे साथ। तो दोस्तों आज की इस कंप्लीट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेरे पास गाड़ियां कौन कौन सी है। देख लिया जाए, यहां पे रॉयल इनफील्ड ट्रेनिंग के लिए है, यहां पे अपाचे सीरीज है, पल्सर है, FZ की सीरीज है, एक्टिवा है, MT है, और यहां पे भी देखें एक्टिवा। इस तरह से जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, ग्राउंड लेवल का एक्सपीरियंस है, वो आपको कोई शेयर नहीं करेगा। जिस भी गाड़ी में सीखना हो, जो भी चीज़ सीखना हो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फैसिलिटी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको हायर CC की गाड़ी का इन्फॉर्मेशन लेना हो, जो हैवी CC की गाड़ियाँ हैं, तो देखें आपको इस तरह से आपको जो है R15 की जो है मॉडल देखने को मिलेगी। एक्टिवा की तो आपको बता ही चुका हूँ नॉर्मल। ये देखें KTM का इंजन खुला हुआ है, आपको इस एंगल से दिखा दिया जाए, देखें KTM की सीरीज है ना, इन सभी गाड़ियों का भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके एरिया में KTM अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मल गाड़ियों का भी काम सीखिए, सभी का इंजन आपको देखने को मिलेगा। और अभी हम लोग जो हैं ग्राउंड फ्लोर पे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर पे, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, ऐसे ही आपको दिखाते चलेंगे सारी चीज़ें। इधर देखिए गाड़ियाँ अवेलेबल है, यहाँ पर देखें एक्टिवा का इंजन खुला है, कोई भी ऐसी गाड़ी नहीं जिससे हमारे मैकेनिक भाई वंचित रहेंगे। सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा ऑन टेबल, ऑन बोर्ड, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करके दिखाई जाएगी। और जितना इन्फॉर्मेशन मैं और JP सर आपको शेयर करूंगा उतना कोई भी आपको नहीं दे सकता। तो देख लें सारे रैंप वगैरह आपको दिखाया जा रहा है। ये देखें कपलर को दिखा दिया जाए, यहाँ पे चेतन भैया, ये कपलर से आपको पता लग रहे होंगे मैकेनिक भाई कि मैं किस गाड़ी की बात कर रहा हूँ। BA6 HF डिलक्स के इंजन के बारे में आपको बताया जाएगा। और आप चाहे जहाँ से भी ट्रेनिंग लेके बैठे होंगे, मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरी जो हम लोग की ट्रेनिंग रहेगी बिल्कुल डिफरेंट रहेगी, क्योंकि आज से पहले इस तरह से ट्रेनिंग आपको किसी ने नहीं दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आपको दिखाते चलते हैं। इससे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे जाएंगे और आपको क्लियरली दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे जगहों पे ट्रेनिंग दिया जा रहा है, बट ये फैसिलिटी जो है इस तरह से गाड़ियों का ओपन करके दिखाना, सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन करना विथ PDF विथ डायग्राम दिखाना, ये किसी की बस की बात नहीं है। बहुत सारे जगहों पर आपने देखा रहेगा इंजन खोल रहे हैं, इंजन लगा रहे हैं, 2 तारीख को बैच शुरू किया जा रहा है, 2 तारीख को एंड किया जा रहा है। एक मैकेनिक सीखता है 1 महीने और उससे फोर्सफुली कहा जाता है कि आप अपना 11 चालू कर लीजिए। ये पॉसिबल हो सकता है कि 1 महीने सीखा हुआ मैकेनिक कभी 11 कर सकता है? मैं ऐसे व्यक्ति को कभी इन्वाइट नहीं करता हूँ। मुझे चाहिए एक्सपर्ट मैकेनिक जिसे मैं कन्वर्ट कर सकूँ BA6 के एक्सपर्ट में। चलिए आ जाइए। इस बेस में आप देखिए कितनी सारी गाड़ियां पड़ी हुई है, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे इस गाड़ी की ट्रेनिंग नहीं मिली। आप अगर यहां पे देखेंगे कमांडो, अगर टॉपर वेरिएंट चाहिए, टॉप मॉडल की गाड़ियां चाहिए, हायर CC की गाड़ियां चाहिए, वो सारी मिलेंगी आपको। इधर दिखा दिया जाए कितनी गाड़ियां हम लोग के पास पड़ी हुई है। जिस भी गाड़ी का आपको ट्रेनिंग लेना हो, जिस भी गाड़ी के बारे में आपको सीखना हो, सारी गाड़ियां मिलेगी। RS का बहुत सारा कंप्लेंट आता है, RS भी हमारे पास अवेलेबल है। इस साइड भी अगर देखेंगे, जो भी गाड़ियों में इतना किसी भी ट्रेनिंग में अगर आपने इतनी गाड़ी देखी होगी ना, सिर्फ 4 गाड़ियां रखते हैं, सिर्फ 4 गाड़ियां, 150 सेगमेंट का, 100 CC सेगमेंट का, 2 ही गाड़ी का इंजन खोल रहे हैं, 2 ही गाड़ी का इंजन लगा रहे हैं, बट ऐसा हम लोग के पास नहीं है। जिस भी वेरिएंट का, जिस भी साइड का, जिस तरह की गाड़ियाँ आप चाहेंगे सारी गाड़ियाँ आपको मिलेगी। BS6 हो, BS4 हो, BS3 हो, E20 वाली हो, सारी। चलिए टॉप फ्लोर पर चलते हैं जहाँ पर हमारे मैकेनिक भाई अभी सीख रहे हैं, मैं लाइव दिखा रहा हूँ। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ आगे चल के। इस चीज़ को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा इसमें जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है लोगों के माइंड में कि ट्रेनिंग परफेक्ट उनको मिल नहीं रहा है कहीं से। जब मैंने इस चीज़ को शुरू किया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, अभी 3-3 फ्लोर हैं, तीनों फ्लोर में खचाखच गाड़ी भरी हुई है। जिस भी गाड़ी के बारे में आपको सीखना हो आप आसानी से सीख सकते हैं। ये देखिए कोई ऐसे नुका छुपी वाली बात नहीं, मैं अभी टॉप फ्लोर पर आया हूँ, इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए हमारे मैकेनिक अभी लाइव आपको मैं दिखाता हूं, आप चले आइए, हर जगह पे आपको गाड़ियां मिलेगी।
वो सब जो दिखा रहे हैं ना और अदर ट्रेनिंग में, ऐसी गाड़ियों को दिखाते हैं जिसकी कबाड़ में कोई भाव नहीं। इसके इंजन को फिटिंग करोगे और खोलोगे ना तो कुछ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्केट में गाड़ियां है ही नहीं। इस तरह से गाड़ियों को मैं साइड कर देता हूं, इस तरह की गाड़ियों को मैं दिखाता तक नहीं। यहां पे देखिए डिस्कवर पड़ी हुई है, धूल मिट्टी जमी हुई है, लेकिन मैं इस गाड़ी को ट्रेनिंग के लिए यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी की ट्रेनिंग मैं दूंगा तो हमारे मैकेनिक भाइयों को कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जनरेशन क्या चल रहा है, BS6 का चल रहा है। तो मैं क्या सिखाऊंगा, BS6 की गाड़ियों का सिखाऊंगा। RS खुली हुई है, चलिए मैं आपको ऑन टेबल ऑन बोर्ड दिखाता हूँ। अभी हमारे मैकेनिक भाई किस तरह से ट्रेनिंग ले रहे हैं, देखिए दो दो तीन तीन बैचेस बना रखे हैं। यहाँ पे देखिए इतने सारे मैकेनिक हमारे ट्रेनिंग ले रहे हैं। उस साइड भी दिखा दिया जाए चेतन भैया, वहाँ पे भी हमारे मैकेनिक लगे हुए हैं ट्रेनिंग के लिए। चलिए नज़दीक थोड़ा ले आइए, क्या सीख रहे हो आप लोग? देखिए हम लोग की एक प्लस पॉइंट आपको बता देता हूँ, हम लोग ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं और मुझे ये पता है कि कोई भी मैकेनिक, थोड़ी दूर से लीजिए ताकि हमारे सारे मैकेनिक भाइयों को समझ में आ जाए। देखिए मेन जो पॉइंट होता है ना वो होता है PDF का। किसी भी मैकेनिक को जो अदर जगह पे देखा जा रहा है, रिफ्रेशर को उठाया जा रहा है, जो वॉशिंग वाले बंदे हैं जो पहले उससे कोई दूसरा काम करते थे और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट ट्रेनिंग अटेंड कर ली, एक महीने के ट्रेनिंग लेने के बाद डायरेक्ट उनको गैराज के लिए बोला जाता है, बट वो पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे मैकेनिक को उठाता हूँ जिनके पास एक्सपीरियंस है, साथ ही साथ आप अपना काम करो, आप लोग अपना काम करो, साथ ही साथ उनके पास PDF भी प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि PDF के बिना काम अधूरा रह जाता है। अभी देखिए हमारे मैकेनिक भाइयों से पूछते हो, क्या सीख रहे हो भैया? और आप क्या सीख रहे हो? बैंक एंगल की वायरिंग की और इश्यू। सरदार जी क्या आप सीख रहे हैं यहाँ पे? हम बैंक एंगल की टेस्टिंग सीख रहे हैं और उसको कंटिन्यू। बैंक एंगल की बहुत अच्छी बात है, बैंक एंगल सेंसर का एक अहम रोल है, क्योंकि मुझे पता है, मैं एक्सपर्ट हूँ और अदर लोगों को पता नहीं। क्योंकि जब भी हमारी गाड़ी गिरती है लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो गाड़ी का ऑटोमेटिकली करंट और साथ ही साथ फ्यूल कट ऑफ हो जाता है, एक यह सेफ्टी फीचर है और इससे हमारी गाड़ी जो है एक्सीडेंट होने से बचती है। चलिए दूसरे बेंच पे चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी मैं दूसरे बेंच पे आपको ले आके दिखाता हूँ, यहाँ पे आइए इधर देखिए, ये हमारे सबसे सीनियर टेक्नीशियन है। आज से कई सारे बेचेस, जितने भी बेचेस में उसमें हमारे JP सर आए थे। JP सर कैसा लगा आपको, आप बताइए, बता दीजिए रघुनाथ सर, आप हमें कैसा आपको फील हो रहा है यहाँ पे आने के बाद? जैसे छोटी मोटी पढ़ाई तो हमने अपनी वर्कशॉप में की है और यहाँ पे हम PhD कर रहे हैं, तो PhD में क्या होता है, रिसर्च होती है अपने अपने लेवल पे, हर मैकेनिक अपने लेवल पे हर फॉल्ट की रिसर्च करता है और एक नया इतिहास बनाता है, अपना इतिहास बनाता है। और इतिहास कैसे बनता है ये आप देख ही रहे हो। जी देखिए, जो भी एक्सपर्ट हैं उनसे डायरेक्टली सवाल जवाब किया जा रहा, किसी से कुछ भी पहले बताया ना जा रहा। आ जाइए थोड़ा नजदीक, क्या सीख रहे हैं जी, क्या सीख रहा है? कौन सा सेंसर के बारे में सीख रहे हैं? PDF को देख कर हम इसको जो है एक सेंसर को, TP सेंसर और जो है थ्रोटल पोजीशन सेंसर को जो है, जो भी सिखाया जाता है ऑन टेबल तो हम लोग सीख ही रहे हैं। आइए इधर दिखा दिया जाए, इस तरह से जो थ्रोटल बॉडियां हैं ना, देखिए मैं कितने टाइप के पंप को दिखाता हूँ ट्रेनिंग में। ये आपका देखिए 2-phase का पंप है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। ये आपका, मैं माइक पहले कनेक्ट कर लूँ, ये आपका देखिए 3-phase का पंप है, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। ये आपका 3-phase का पंप है, इस आप लोग काम कीजिए ना, अपना काम कीजिए, आपके पास भी आ रहे हैं। ये पंप के साथ यहाँ पे फ्यूल लेवल सेंसर भी कनेक्ट है, इसके बारे में भी बताया। और क्या चीज़ यहाँ पे नहीं हम लोग के टेबल पे, क्योंकि एक ग्राउंड टाइप का जो मैकेनिक होता है, जो ज़मीनी स्तर से जुड़ा होता है, उसको पता है कि क्या क्या चीज़ें हमारे मैकेनिक भाई फेस करते हैं। मल्टीपल टाइप के फ्यूल प्रेशर गेजेस रखा हूँ, मल्टीपल टाइप के मल्टीमीटर रखा हूँ, ऑटोमेटिक मल्टीमीटर अभी वहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ थोड़ा इधर साइड हो जाइए भैया, आ जाइए। अभी देखिए यहाँ पे चल रहा था BS6 बाइक, स्टार्ट नहीं हो तो क्या क्या चेक करें, क्लियर? इसके बारे में अभी हम लोग ऑन टेबल पूरी अच्छी से समझाया लोगों को। अब किसी भी एक भैया से पूछते हैं, चलिए आप ही बता दीजिए कि इस बोर्ड में जो बताया गया था आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया आया। सरदार जी से हमारे पूछिए, सरदार जी बता दीजिए कैसा आपको रहा बोर्ड वाला एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा, बहुत बारीकी से समझाया, जो एकदम अपने दिमाग में पकड़ में फर्क कर लिया। अब बता देते हैं, ऑन कैमरा जो है लाइव आपको दिखा दे रहे हैं। अभी यहाँ पे देखें ECU के ये कपलर कनेक्शन को निकाला गया है और एक एक वायरिंग की टेस्टिंग, इनपुट आउटपुट सारे चीज़ें मैं अभी यहाँ पे चेक करके दिखा रहा हूँ। क्या चेक कर रहे हैं यहाँ पे दिखाएंगे, क्योंकि इनके पास ऑटोमेटिक मल्टीमीटर है और ये सीख रहे हैं। क्या चीज़ चेक कर रहे हैं सर जी? सर ये जो कॉल वाल का कितना वोल्ट जाता है वो चेक किया, और ST कॉइल का कितना वोल्ट चेक किया,
और उसे कंटिन्यूटी भी चेक कर रहे थे। बिल्कुल सही, क्योंकि जब भी इन गाड़ियों में प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले इग्निशन कॉइल को और ये जो एक्चुएटर है इसको और इसके जो कनेक्शन ईसीयू से, यानी यही मदरबोर्ड सिस्टम है, यहीं से सारी चीज़ें वर्क करता है, तो इस चीज़ को चेक करना बिल्कुल जरूरी है। तो इन लोग को डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं करेंगे, आप लोग अपना काम करिए। तो आप सभी से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको ट्रेनिंग लेनी हो तो एक ऐसे जगह पे विजिट करें जो आपको एक्चुअल चीज़ें सिखा सके, BS6 का नॉलेज आपको दे सके, और वो सिर्फ है वन एंड ओनली हमारे JP सर। कहाँ JP सर? हमारे यहीं हैं जी। आप बताइए कि आपने ये जो हमारे मैकेनिक भाइयों के लिए इतना बड़ा जो कदम उठाया, वो आप इसके लिए आप कुछ बता दें हमारे मैकेनिक भाइयों को जो इतना सारा फैसिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। सर, ये हमारा शुरुआत छोटे लेवल से हुआ था, लेकिन जैसे कि हमारी कड़ी एक कारवा के बोलते हैं कारवा बढ़ता गया। ये कितना बैच है आपको, कौन सा नंबर का? ये पाँचवा बैच है हमारा। पाँचवा बैच मेरा एक दिल से कनेक्टिविटी थी, क्योंकि हमारे जो जो एक अच्छी क्वालिटी BS6 में जो प्रोवाइड करवा रहे थे ग्राउंड लेवल पर हमारे उल्फत सर थे, तो उल्फत सर और हमने एक अच्छा कॉन्टैक्ट बना के जो फिफ्थ बैच है मैंने सर के साथ किया। लेकिन जो अब की बार माहौल हमारा बना है ग्राउंड लेवल का, वो पहले बैच से और ज़्यादा बेस्ट हुआ है, मतलब क्वालिटी हमारी अपग्रेड हुई है। तो पूरी PDF के माध्यम से हम हर मैकेनिक को एक अच्छी तरह से हर सेंसर के बारे में रीडिंग है कैसे चेक करनी है, ऑन बोर्ड और प्रैक्टिकल तो आपको देख ही लिया कैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं। सभी मैकेनिक खुश हैं। अगर आप लोग कोई मैकेनिक भाई हमारे इस पे ट्रेनिंग आना चाहते हैं, मैकेनिक से पूछ लीजिए, क्या आप लोग खुश हैं? कैमरा इंजन से बिल्कुल खुश है ना? बिल्कुल बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी जा रही है आपको, बहुत अच्छी जानकारी जी। तो जो है ऑन कैमरा आपको बताया जा रहा है, किसी से कोई लुकिया छुपी वाली बात नहीं है, जो सिखाया जा रहा है लाइव सिखाया जा रहा है, लाइव बताया जा रहा है। तो आप बेफिक्र होकर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं, गलत जगहों पे ना जाएं, गलत जगह पे से इन्वेस्टमेंट ना करें, सही जगह पे आएं ताकि आपको सीखने को एक्यूरेट चीज़ें मिल सके। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्लिप आपको देखने को मिलेंगे, एक से एक वीडियोज आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं अगर झूठ बोल रहा हूँगा, मैकेनिक भाई हमारे झूठ बोल रहे होंगे, तो जो वीडियोज हमने ऑन ट्रेनिंग शूट किया वो झूठ नहीं बोलेगा, वो तो आपको कंप्लीट सोशल मीडिया के ऊपर हर प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, और ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए ताकि आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकें।